जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक कुमार, एक्स कोबरा कमांडो कोच बुद्धा सैनी ट्रेनिंग सेंटर ब्यास नालंदा। अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये जो लड़के और लड़कियाँ अग्निवीर के लिए स्पेशल बैच है, अग्निवीर का स्पेशल बैच है जो अभी जस्ट 1.5 घंटे का एक सेट मार के आए हैं। जो जनरल कंपटीशन का सेट होता है आर्मी का, बिहार पुलिस का, SSCGD का, सब सा एक सेट मारे हैं लोग 3 से लेकर 4:30 के बीच में। और हम लोग ग्राउंड पहुँचे हैं, ग्राउंड में अभी 4:45 बजा है। यहाँ पर 6:30 तक हम लोग वर्कआउट करेंगे। पहला आप देख रहे हैं स्ट्रेचिंग करा रहे हैं, इसके बाद हमारा वार्मअप चलेगा। वार्मअप 3 राउंड का होगा। इसके बाद जो शेड्यूल हमने जो बनाया हुआ है, आज का जो शेड्यूल है, शेड्यूल बना के रखा है, इसके हिसाब से हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो साथ बने रहिए, और अगर पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब तो कीजिए, साथ में बुद्धा आने का प्रयास कीजिए ताकि आप वर्दी लेके जाए। अभी आप देख रहे हैं कि जॉगिंग स्टार्ट हो चुका है, 3 राउंड का जॉगिंग दिए हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि स्पीड वर्कआउट है। स्पीड वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। आप दिन भर दौड़िए और एक बार स्पीड वर्कआउट कीजिए, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। इसलिए स्पीड वर्कआउट मस्ट है। और देखिए मैं अभी कैसे कराता हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग जो बिहार शरीफ के मैदान में हम लोग हैं, सोगरा स्कूल का हाई स्कूल जो है, यहाँ बहुत ज़्यादा कीचड़ था। यहाँ पे बालू डलवा दिया गया है, ऐसी स्थिति थी यहाँ पे। लेकिन बालू डलवाने के बाद आप देख सकते हैं कैसा धसरा धुरा पैर लोग। एड़ी पे नहीं बाबू, एड़ी पे नहीं, आगे बॉडी झुका हुआ चाहिए मेरे को। तो अभी देख रहे हैं कि पहला हमारा वार्म अप का सेशन जो है वो ख़त्म हो चुका है लगभग। अब हमारा मेन जो वर्कआउट है वो स्टार्ट होगा। अभी 3 ग्रुप बनाएंगे, 2 लड़कों का और 1 लड़की का। लड़कियाँ अरे थोड़ा बहुत जल्दी बॉडी रिलैक्स हुई है यहाँ। लड़का और लड़की दोनों को बराबर ही एक्सरसाइज कराया जाता है, बराबर ही वर्कआउट कराया जाता है, ताकि उनको आराम से अपने जब अपने लेवल में जाए लड़कियाँ तो अपने टीम में सबसे अव्वल रहे। और इसके साथ साथ मेरा मानना यह है कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपको मौका नहीं मिलेगा। कई एग्जाम ऐसे हैं जिसमें पहले दौड़ने का मौका पहले मिलता है और कईयों में पढ़ने के बाद मिलता है, यानी एग्जामिनेशन पास करने के बाद। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिहार पुलिस, अब बिहार पुलिस में देख सकते हैं कि उसका रिटर्न जब तक पास नहीं है आपको फिजिकल का कोई ज़रूरत नहीं। और आर्मी है, पहले फिजिकल चाहिए। तो इस तरीके से आप हर एग्ज़ाम के अनुसार अपने आप को तैयार कीजिए। और अगर किसी प्रकार प्रॉब्लम होता है तो वेलकम टू बुद्धा। थैंक यू।